Dear students, assalamu alaikum. My name is Dr. Aminullah Aman. इस वीडियो के अंदर हम डिविडेंड पॉलिसी के चैप्टर को डिस्कस करेंगे. हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे? हम ये डिस्कस करेंगे कि डिविडेंड पॉलिसी किसे कहते हैं. हम थ्योरीज ऑफ इन्वेस्टर प्रेफरेंसेस को डिस्कस करेंगे और सबसे आखिर में हम डिविडेंड रेजिडुअल मॉडल को डिस्कस करेंगे. इन तीन चीज़ों को हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे. सबसे पहले, वॉट इज डिविडेंड पॉलिसी? डिविडेंड पॉलिसी किसे कहते हैं? देखिए, डिविडेंड पॉलिसी के अंदर दो चीज़ों को कवर किया जाता है. नंबर वन, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने जो प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट में से कितना प्रॉफिट जो है शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है एज ए डिविडेंड, और कितना प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने अपने पास रिटेन करना है. आई रिपीट, एक ऑर्गेनाइजेशन ने जो प्रॉफिट कमाया है, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है, इस 10 लाख रुपए के प्रॉफिट में से कितना प्रॉफिट शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है एज ए डिविडेंड, और कितना प्रॉफिट जो है ऑर्गेनाइजेशन ने अपने पास रिटेन करना है, री इन्वेस्ट करना है फर्म के ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन के अंदर. इन दो डिसीजनस को डिविडेंड पॉलिसी के अंदर डिस्कस किया जाता है. डिविडेंड पॉलिसी कंप्राइजेज ऑफ चार चीज़ें इसके अंदर इम्पॉर्टेंट होती हैं. नंबर वन, हाई पे आउट और लो पे आउट. कुछ फर्म्स ऐसी होती हैं जो कि हाई पे आउट फर्म्स होती हैं, कुछ फर्म्स ऐसी होती हैं जो कि लो पे आउट फर्म्स होती हैं. हाई पे आउट फर्म्स का क्या मतलब है? वो फर्म्स जो डिविडेंड ज़्यादा देना पसंद करती हैं, और वो फर्म्स जो डिविडेंड कम देना पसंद करती हैं. कुछ फर्म्स ऐसी होती हैं जो डिविडेंड ज़्यादा देती हैं, ये वो फर्म्स होती हैं कि जिनके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं. और कुछ फर्म्स ऐसी होती हैं जो कि लो डिविडेंड देती हैं, क्योंकि उनके पास अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, तो वो अपने प्रॉफिट में से थोड़ा सा डिविडेंड दे देती हैं और बाकी प्रॉफिट जो बचता है उसको इन्वेस्ट कर देती हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में उसको जो है इन्वेस्ट कर देती हैं. तो फर्म को ये डिसाइड करना होता है कि हमें ज़्यादा डिविडेंड देना है या कम डिविडेंड देना है. नंबर टू, स्टेबल डिविडेंड्स और इररेगुलर डिविडेंड. हमें डिविडेंड स्टेबल देना है या इररेगुलर देना है. स्टेबल डिविडेंड का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल 2017 में भी आपने 4 रुपीज़ पर शेयर प्रॉफिट दिया था, 2018 में भी आपने 4 रुपीज़ पर शेयर प्रॉफिट दिया था, 2019 में भी आपने 4 रुपीज़ पर शेयर प्रॉफिट दिया था, अब 2020 में भी आपने 4 रुपीज़ पर शेयर प्रॉफिट अगर आप दे रहे हैं तो ये क्या है? ये स्टेबल डिविडेंड है. यानी थ्रू आउट द पीरियड डिविडेंड का अमाउंट सेम है, तो ये स्टेबल डिविडेंड है. लेकिन अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि 2020 के अंदर हमें 4 रुपये पर शेयर प्रॉफिट नहीं देना बल्कि प्रॉफिट ज़्यादा देना है, 5 रुपीज़ पर शेयर देना है, या कम देना है, 3 रुपीज़ पर शेयर देना है, तो देखें अब डिविडेंड इररेगुलर हो गया. लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर्स में आपने 4 रुपीज़ पर शेयर दिया था, इस साल आप 3 रुपीज़ पर शेयर दे रहे हैं, तो डिविडेंड इररेगुलर हो गया, स्टेबल नहीं रहा, सेम नहीं रहा. थर्ड चीज़ क्या है? फ्रिक्वेंसी. डिविडेंड की फ्रिक्वेंसी क्या होगी? आप मंथली डिविडेंड, क्वार्टरली डिविडेंड देंगे, हाफ ईयरली डिविडेंड देंगे, या एनुअली डिविडेंड देंगे? जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो नॉर्मली क्वार्टरली डिविडेंड दिया करती हैं, और जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो नॉर्मली एनुअल डिविडेंड्स दिया करती हैं. और लास्ट थिंग, शुड द पॉलिसी बी अनाउंस्ड? यानी डिविडेंड की अनाउंसमेंट कब करनी है? ऑर्गेनाइजेशन कब अनाउंस करेगी कि हम डिविडेंड देना देने जा रहे हैं और इतना डिविडेंड देने जा रहे हैं? ये अनाउंसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इस अनाउंसमेंट की वजह से ऑर्गेनाइजेशन के जो शेयर प्राइसेस हैं स्टॉक मार्केट के अंदर वो बहुत तेज़ी से जो है ना फ्लक्चुएट करते हैं. तो अनाउंसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ऑर्गेनाइजेशन इस बात का ख्याल रखती है कि ऐसे टाइम पे अनाउंसमेंट की जाए जब हालात सब नॉर्मल हो, इकॉनमी के हालात नॉर्मल हो, स्टॉक मार्केट के हालात नॉर्मल हो, उस वक्त अनाउंसमेंट की जाए ताकि शेयर प्राइस के ऊपर अच्छा इफेक्ट आए, पॉजिटिव इफेक्ट आए. तो अनाउंसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो डिविडेंड पॉलिसी के अंदर चौथी चीज़ क्या डिस्कस की जाती है? ये डिस्कस की जाती है कि हमें अनाउंसमेंट कब करनी है डिविडेंड के बारे में. ठीक है जी, यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया कि डिविडेंड पॉलिसी कहते किसे हैं. नेक्स्ट हम थ्योरीज ऑफ इन्वेस्टर प्रेफरेंसेस डिस्कस करने जा रहे हैं. थ्योरीज ऑफ इन्वेस्टर प्रेफरेंसेस. इन्वेस्टर प्रेफरेंसेस किस चीज़ के अंदर प्रेफरेंसेस? देखें, दो चीज़ों के अंदर प्रेफरेंसेस की बात हो रही है. दो चीज़ों के अंदर प्रेफरेंसेस की बात हो रही है. नंबर वन, डिविडेंड, और नंबर टू, कैपिटल गेन. नंबर वन, डिविडेंड, नंबर टू, कैपिटल गेन.
कैपिटल गेन किसे कहते हैं पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने जनवरी में 100 रुपीज़ पर शेयर आपने ख़रीदा है, आपने एंग्रो कॉरपोरेशन के शेयर्स ख़रीदे हैं, एंग्रो कॉरपोरेशन के आपने जनवरी के अंदर शेयर्स ख़रीदे हैं और एक शेयर आपने कितने का ख़रीदा है, 100 रुपये का ख़रीदा है, 100 रुपीज़ पर शेयर। अब फरवरी के महीने में या मार्च के महीने में एंग्रो के शेयर प्राइसेस ऊपर चले जा प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं, 100 रुपीज़ से 110 हो जाते हैं। अब आपने ख़रीदा था 100 का, अब शेयर प्राइस हो गई है 110, तो ये 10 रुपये की 10 रुपीज़ का जो इजाफा आया है इसे कहते हैं कैपिटल गेन, यानी आपको कैपिटल गेन होगा अगर आप अपने शेयर प्राइस अभी शेयर्स अभी बेच दें। अगर आप अभी अपने शेयर्स बेच देंगे तो आपने ख़रीदे थे 100 रुपीज़ के, अब आप उसको 110 में बेच देंगे तो 10 रुपीज़ पर शेयर आपको जो है गेन मिलेगा, इसे क्या कहा जाता है, कैपिटल गेन कहा जाता है। तो मैं आपसे ये डिस्कस कर रहा था कि इन्वेस्टर प्रेफरेंसेस दो में से किसी एक चीज़ को इन्वेस्टर प्रेफर करेगा, या उसको अभी डिविडेंड चाहिए या उसको फ्यूचर में कैपिटल गेन चाहिए। इसको समझने के लिए आप एग्जांपल समझें, एक ऑर्गेनाइजेशन ने प्रॉफिट कमाया 10 लाख रुपए। अब ऑर्गेनाइजेशन के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो सारा का सारा प्रॉफिट डिविडेंड के शक्ल में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, शेयर होल्डर्स के में डिस्ट्रीब्यूट कर दे इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, या ऑर्गेनाइजेशन उस प्रॉफिट को अपने पास रिटेन करे और इन्वेस्टमेंट कर ले, इन्वेस्ट कर ले। उससे क्या होगा, नेक्स्ट ईयर ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा कमाएगी, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रोथ होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के जो शेयर प्राइसेज हैं वो ऊपर की तरफ जाएंगे। जब शेयर प्राइस ऊपर जाएंगे तो कैपिटल गेन होगा। तो देखें, अगर या तो ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रॉफिट को अभी डिस्ट्रीब्यूट कर दे या उसको इन्वेस्ट कर दे। अगर वो इन्वेस्ट करेगी तो क्या होगा, नेक्स्ट ईयर वो ज़्यादा कमाएगी और उससे क्या होगा, शेयर प्राइसेस जो है ना ऊपर जाएंगे, कैपिटल गेन होगा। तो अब इन्वेस्टर को डिसाइड करना होता है कि वो अभी डिविडेंड लेने में इंटरेस्टेड है या फ्यूचर में कैपिटल गेन लेने के अंदर इंटरेस्टेड है। तो इन दो चीज़ों के बीच में इन्वेस्टर की प्रेफरेंस की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम तीन थ्योरीज को डिस्कस कर रहे हैं। ये तीनों थ्योरीज एक दूसरे के कंट्रास्टिंग हैं, एक दूसरे से अपोजिट हैं और तो अलग अलग बात करती हैं। तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे कि हर थ्योरी इन्वेस्टर प्रेफरेंस के बारे में क्या बताती है। सबसे पहले है थ्योरी ऑफ डिविडेंड इररिलेवेंसी, थ्योरी ऑफ डिविडेंड इररिलेवेंसी। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं, थ्योरी ऑफ डिविडेंड इररिलेवेंसी। यहाँ पे देखें क्या थ्योरी का नाम क्या है, डिविडेंड इररिलेवेंसी। यानी ये थ्योरी ये बताती है कि एक इन्वेस्टर बिल्कुल इनडिफरेंट होता है, एक इन्वेस्टर बिल्कुल इनडिफरेंट होता है, इन्वेस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको अभी डिविडेंड दें या उसको फ्यूचर में कैपिटल गेन दें। आप उसको अभी डिविडेंड दे दें या आप अभी डिविडेंड ना दें और पैसे इन्वेस्ट कर लें और फ्यूचर में उसको कैपिटल गेन मिल जाए, इन्वेस्टर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसको अभी डिविडेंड मिले या उसको फ्यूचर में कैपिटल गेन मिले। इन्वेस्टर को प्रॉफिट चाहिए लेकिन वो अभी मिल जाए तो भी ठीक है और फ्यूचर में मिल जाए तो भी ठीक है। उसकी वजह क्या है, अगर इन्वेस्टर को अभी पैसों की ज़रूरत है, अगर इन्वेस्टर को अभी पैसों की ज़रूरत है और आप उसको अगर अभी डिविडेंड नहीं देंगे तो इन्वेस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्वेस्टर आपके शेयर्स को मार्केट में बेचेगा और अपने उसको पैसे मिल जाएंगे, वो अपनी ज़रूरत पूरी कर देगा। और अगर इसका अपोजिट है, तो इन्वेस्टर को पैसों की ज़रूरत नहीं है लेकिन आप उसको डिविडेंड दे रहे हैं, तो इन्वेस्टर क्या करेगा, उस डिविडेंड को क्या करेगा, मजीद शेयर्स खरीदने के लिए इस्तेमाल कर लेगा, मजीद दोबारा इन्वेस्ट कर लेगा और शेयर्स खरीद लेगा। पहले उसके पास 100 शेयर्स थे, अब आपने उसको डिविडेंड दे दिया हालांकि उसे पैसों की ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या करेगा, उस पैसे से मजीद शेयर्स खरीद लेगा। फॉर एग्जाम्पल 100 शेयर्स और खरीद लेगा तो 200 शेयर्स उसके पास हो जाएंगे। तो ये थ्योरी क्या कहती है कि डिविडेंड बिल्कुल इररिलेवेंट चीज़ है, इन्वेस्टर को डिविडेंड से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसको अभी डिविडेंड मिले या फ्यूचर में उसको कैपिटल गेन मिले, इससे इन्वेस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टॉक प्राइसेस पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पहली थ्योरी है डिविडेंड इररिलेवेंस। इसके कंट्रास्ट में हम नेक्स्ट थ्योरी डिस्कस करते हैं, थ्योरी ऑफ बर्ड इन दी हैंड, थ्योरी ऑफ बर्ड इन दी हैंड। ये थ्योरी क्या कहती है कि इन्वेस्टर डिविडेंड्स को ज़्यादा पसंद करता है कैपिटल गेन्स के मुकाबले में, इन्वेस्टर डिविडेंड को ज़्यादा पसंद करता है कैपिटल गेन के मुकाबले में। वो ये चाहता है मुझे अभी डिविडेंड मिले, बाद में कैपिटल गेन नहीं चाहता वो, बल्कि वो ये चाहता है मुझे अभी डिविडेंड मिल जाए। इसकी क्या वजह है, क्योंकि इन्वेस्टर को ये लगता है, इसकी वजह यह है, इन्वेस्टर को लगता है कि डिविडेंड्स लेस रिस्की हैं कैपिटल गेन के मुकाबले में। ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, लेस रिस्की हैं डिविडेंड्स, लेस रिस्की हैं कैपिटल गेन के मुकाबले में। क्यों, ये देखें, डिविडेंड आज मिलेंगे,
डिविडेंड आज मिलेगा, कैपिटल गेन फ्यूचर में मिलेगा। तो जो चीज आज मिल रही है वो फ्यूचर के मुकाबले में सर्टेन है, उसके अंदर रिस्क कम है। फ्यूचर में इकोनॉमी के हालात क्या होंगे, कंपनी के हालात क्या होंगे, स्टॉक मार्केट के हालात क्या होंगे, हमें कुछ नहीं पता। तो फ्यूचर तो रिस्की है, तो आज जो है फ्यूचर के मुकाबले में लेस रिस्की है, कम रिस्की है। तो लिहाजा आज डिविडेंड मिल जाए वो ज्यादा अच्छा है, फ्यूचर में पता नहीं कैपिटल गेन मिले या ना मिले। इस वजह से इन्वेस्टर जो है लेस रिस्की फर्म्स को पसंद, इन्वेस्टर उन फर्म्स को पसंद करता है जो कि डिविडेंड ज्यादा देती हैं, क्योंकि इन्वेस्टर की चॉइस क्या होती है कि उसको डिविडेंड मिले, कैपिटल गेन उसको नहीं चाहिए, उसे डिविडेंड चाहिए। तो लिहाजा वो उन फर्म्स को पसंद करता है जो ज्यादा डिविडेंड्स देती हैं। तो वो फर्म्स जो ज्यादा डिविडेंड्स देती हैं उनकी डिमांड बढ़ती है, और उसकी वजह से क्या होती है, उनकी प्राइस बढ़ जाती है। इन्वेस्टर डिविडेंड को ज्यादा पसंद करता है, लिहाजा इन्वेस्टर उस फर्म के शेयर्स खरीदना चाहता है जो ज्यादा डिविडेंड देती है। तो क्या होता है, ऐसी फर्म्स जो कि ज्यादा डिविडेंड्स देती हैं उनका उनकी डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ने से क्या होता है, उनकी प्राइसेस बढ़ती है। ये हमने डिस्कस किया थ्योरी ऑफ बर्ड इन दी हैंड। अब इसके कंट्रास्ट में हम नेक्स्ट और लास्ट थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, टैक्स प्रेफरेंस थ्योरी। टैक्स प्रेफरेंस थ्योरी, ये थ्योरी ये कहती है इन्वेस्टर कैपिटल गेन को ज्यादा पसंद करता है, डिविडेंड्स को कम पसंद करता है। इन्वेस्टर कैपिटल गेन को ज्यादा पसंद करता है और डिविडेंड्स को कम पसंद करता है। इसकी दो वजह है। पहली वजह यह है कि डिविडेंड्स के ऊपर ज्यादा टैक्स देना पड़ता है और कैपिटल गेन के ऊपर कम टैक्स देना पड़ता है। डिविडेंड्स के ऊपर टैक्स ज्यादा होता है और कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्स लगता है वो कम लगता है, लिहाजा इन्वेस्टर टैक्स से बचना चाहता है, लिहाजा वो कैपिटल गेन को पसंद करता है टैक्स डिविडेंड के मुकाबले में, कैपिटल गेन को ज्यादा पसंद करता है ताकि उसे कम टैक्स देना पड़े। ये एक वजह है। दूसरी वजह देखेंगे लिखी हुई है, फर्दर टैक्सेस ऑन कैपिटल गेन्स आर डेफर्ड। कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्सेस हैं वो डेफर्ड है, यानी उधार है, वो बाद में देने हैं, लेकिन डिविडेंड्स के ऊपर टैक्स अभी देना पड़ेगा। तो डिविडेंड्स के ऊपर टैक्स अभी देना पड़ेगा, कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स फ्यूचर में देना होगा, बाद में देना होगा, जब कैपिटल गेन होगा तब टैक्स देना होगा। तो इन्वेस्टर चाहता है कि अभी मैं टैक्स ना दूं, मेरी जेब से पैसा ना निकले, फ्यूचर में टैक्स दे देंगे, फ्यूचर में मेरी जेब से पैसा निकले, तो वो कैश आउटफ्लो से बचना चाह रहा होता है। इस वजह से इन्वेस्टर कैपिटल गेन को ज्यादा पसंद करता है, डिविडेंड्स को पसंद नहीं करता। लिहाजा वो फर्म्स, इन्वेस्टर उन फर्म्स को पसंद करेगा जो डिविडेंड कम देती हैं, क्योंकि इन्वेस्टर की चॉइस डिविडेंड नहीं है, कैपिटल गेन है। लिहाजा इन्वेस्टर उन फर्म्स को पसंद करेगा जो डिविडेंड कम देती हैं और पैसों को इन्वेस्ट कर देती हैं ताकि कैपिटल गेन मिल जाए उसको। तो लिहाजा इन्वेस्टर उन फर्म्स को पसंद करता है जो कि डिविडेंड कम देती हैं। लिहाजा वो फर्म्स जो डिविडेंड ज्यादा देती हैं उनकी डिमांड कम हो जाएगी और इस वजह से उनकी प्राइस कम हो जाएगी। पिछली वाली थ्योरी में हमने डिस्कस किया था कि वो फर्म्स जो कि डिविडेंड ज्यादा देती हैं उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, उनकी प्राइस बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि इन्वेस्टर डिविडेंड को पसंद नहीं करता, तो लिहाजा वो फर्म जो ज्यादा डिविडेंड देती हैं उनकी डिमांड गिर जाएगी और उनकी प्राइस इस वजह से जो है ना गिर जाएगी। तो ये देखें, हमने तीन थ्योरीज डिस्कस की, तीनों के अंदर हमने डिस्कस किया। पहली थ्योरी के अंदर हमने ये डिस्कस किया, इन्वेस्टर बिल्कुल इनडिफरेंट है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डिविडेंड अभी मिले या बाद में कैपिटल गेन मिले। सेकेंड थ्योरी ऑफ बर्ड इन दी हैंड के अंदर हमने डिस्कस किया, इन्वेस्टर डिविडेंड को ज्यादा पसंद करता है एज कम्पेयर टू कैपिटल गेन। और थर्ड थ्योरी, टैक्स प्रेफरेंस थ्योरी के अंदर हमने डिस्कस किया, इन्वेस्टर कैपिटल गेन को ज्यादा पसंद करता है as compared to dividends। तो देखें, investors different तरह के होते हैं, हर investor की choice अलग अलग होती है, हर investor की preference अलग अलग होती है। तो हर theory अलग अलग set of investors के बारे में बात कर रही है, ठीक है जी। यहाँ से हमें आखिरी चीज डिस्कस करनी है चैप्टर के अंदर, रेजिडुअल डिविडेंड मॉडल। ये मॉडल हमें क्या बताता है, ये मॉडल हमें ये बताता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने जो प्रॉफिट कमाया है उसमें से कितना डिविडेंड दे दिया जाए और कितने पैसों को अपने पास रिटेन किया जाए। ऑर्गेनाइजेशन ने जो प्रॉफिट कमाया है, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है, इस 10 लाख रुपए में से कितने पैसे आप अपने पास रिटेन करें और कितने पैसों को इन डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दें शेयर होल्डर्स के दरमियान। तो ये मॉडल हमें ये बताता है। तो सबसे पहले हम इसका मॉडल देखते हैं। मॉडल क्या है, देखें, डिविडेंड्स इज इक्वल्स टू नेट इनकम माइनस टारगेट एक्विटी रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल कैपिटल बजट। मैं आपको इस मॉडल को पहले एक्सप्लेन करता हूँ। टारगेट एक्विटी रेशियो, टारगेट एक्विटी रेशियो का क्या मतलब है, देखिए, हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर डिस्कस किया था कि
जब इन्वेस्टर को पैसों की जब कंपनी को पैसों की ज़रूरत होती है तो कंपनी फॉर एग्जांपल एक कंपनी है उसे 8 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो वो नॉर्मली कंपनी क्या करती है, कुछ पैसे इन द फॉर्म ऑफ लोन हासिल करती है और कुछ पैसे जो है इन द फॉर्म ऑफ कॉमन स्टॉक हासिल करती है। 8 लाख के 8 लाख कंपनी नॉर्मली लोन नहीं लेती और 8 लाख के 8 लाख कंपनी जो है कॉमन शेयर्स के जरिए से हासिल नहीं करती, बल्कि थोड़ा सा लोन उठाती है और कुछ बाकी पैसे जो है कॉमन स्टॉक्स के जरिए से शेयर्स बेचकर या रिटेन अर्निंग्स के जरिए से जो है ना पैसे हासिल करती है। फॉर एग्जांपल 8 लाख रुपए चाहिए, 8 लाख रुपए में से 4 लाख रुपए कंपनी ने लोन के फॉर्म में हासिल किए बैंक से और बाकी 4 लाख रुपए कंपनी ने कॉमन स्टॉक के जरिए से हासिल किए। कॉमन स्टॉक के अंदर हमने ऑप्शन पढ़े थे, 2 ऑप्शन होते हैं, या तो रिटेन अर्निंग से पैसे आएंगे और या तो जो है नए शेयर्स बेचकर पैसे आएंगे। तो ऐसा कंपनी क्यों करती है, ताकि कंपनी की कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए। सारे पैसे अगर लोन के फॉर्म में ले लिए जाएंगे तो कॉस्ट हाई हो जाएगी, और अगर सारे पैसे शेयर्स के फॉर्म में ले लिए जाएंगे तो अगेन कॉस्ट हाई हो जाएगी। तो कंपनी अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए, कॉस्ट ऑफ डेट को और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम करने के लिए कंपनी क्या करती है, कुछ पैसे लोन की फॉर्म में हासिल करती है और कुछ पैसे इक्विटी की फॉर्म में यानी कि कॉमन शेयर से हासिल करती है। तो ये टारगेट इक्विटी रेशियो वही चीज है कि कंपनी का इक्विटी रेशियो क्या है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसकी पॉलिसी है कि हमें जब भी पैसों की जरूरत होगी तो हम 40% लोन लेंगे और 60% कॉमन स्टॉक से पैसे हासिल करेंगे। तो 60% क्या हो जाएगा, टारगेट इक्विटी रेशियो हो जाएगा, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है टारगेट इक्विटी रेशियो हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय टोटल कैपिटल बजट, टोटल कैपिटल बजट का क्या मतलब है कि आपको इन्वेस्टमेंट के लिए कितने पैसे चाहिए, आपकी कैपिटल बजटिंग क्या है, आपको इन्वेस्टमेंट के लिए कितने पैसे चाहिए, उसको आप मल्टीप्लाई कर लें टारगेट इक्विटी रेशियो से और फिर उसको नेट इनकम से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास डिविडेंड निकल आएगा। अब इसको हम जो है नेक्स्ट स्लाइड में एक एग्जाम्पल के जरिए से इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल डेटा दिया हुआ है आपको, रिक्वायर्ड कैपिटल इज 800,000, कंपनी को कितना कैपिटल रिक्वायर्ड है, 8 लाख रुपए उसको चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है कंपनी का, 40% डेट 60% इक्विटी, यानी 40% कंपनी लोन हासिल करती है और 60% पैसे इक्विटी के जरिए से हासिल करती है। नेट इनकम कितनी है कंपनी की, 6 लाख रुपए कंपनी की नेट इनकम है। हाउ मच डिविडेंड शुड बी पेड, कंपनी को कितना कितना डिविडेंड पे करना चाहिए, ठीक है। ये देखें कंपनी को कितने पैसों की जरूरत थी, 8 लाख रुपए की जरूरत थी, तो 8 लाख रुपए में से 60% जो है पैसे इक्विटी के जरिए से हासिल किए जाएंगे और 40% पैसे डेट के जरिए से लोन के जरिए से हासिल किए जाएंगे, क्योंकि पिछली स्लाइड के अंदर हमने देखा था कि कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर की पॉलिसी क्या है कि जब भी पैसों की जरूरत होगी, जब भी कैपिटल चाहिए होगा, 40% लोन के जरिए से पैसे हासिल किए जाएंगे और 60% इक्विटी के जरिए से पैसे हासिल किए जाएंगे। तो 8 लाख का 40% निकाला जाएगा और 8 लाख का 60% हासिल किया निकाला जाएगा। तो वही काम हमने यहाँ पे किया है, 8 लाख का 60% 4 लाख 80 हज़ार रुपये हो गया, 8 लाख का 40% 3 लाख 20 हज़ार रुपये हो गया। तो 4 लाख 80 हज़ार रुपये कंपनी ने कॉमन इक्विटी के जरिए से हासिल करने हैं, ठीक है जी। तो अब देखें कंपनी ने कमाया कितना था, नेट इनकम कितनी आई थी कंपनी की, मैं आपको दोबारा से फॉर्मूला दिखाता हूँ। फॉर्मूला क्या है, नेट इनकम माइनस टारगेट इक्विटी रेशियो मल्टीप्लाई बाय कैपिटल बजट। टारगेट इक्विटी रेशियो कंपनी का क्या है, 60%, और कैपिटल बजट यानी कि कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, 8 लाख रुपए चाहिए। तो 8 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 60% से और फिर उसको नेट इनकम में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास डिविडेंड्स निकल आएंगे। ये देखें 6 लाख रुपए की कंपनी की नेट इनकम है, उसमें से हमने 4 लाख 80 हज़ार रुपये माइनस किए। ये 4 लाख 80 हज़ार रुपये कहाँ से आया, ऊपर हमने मल्टीप्लाई किया 8 लाख को 60% से, तो 4 लाख 80 हज़ार रुपये माइनस किए तो कंपनी कितना डिविडेंड पे करेगी, 1,20,000 रुपीज कंपनी डिविडेंड पे करेगी। तो देखें इसको रेजिडुअल डिविडेंड मॉडल क्यों कहते हैं, रेजिडुअल का मतलब होता है रिमेनिंग। तो 6 लाख रुपए में से 4 लाख 80 हज़ार रुपये तो चले जाएंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, तो 6 लाख रुपए में से जब 4 लाख 80 हज़ार रुपये माइनस होंगे तो रिमेनिंग क्या बचा, 1,20,000 रुपये रिमेनिंग बचा। इस वजह से इसे रेजिडुअल डिविडेंड मॉडल कहा जाता है, कि रेजिडुअल डिविडेंड मॉडल से हमने निकाला कि कंपनी कितना डिविडेंड पे करेगी, 1,20,000 रुपये डिविडेंड पे करेगी। नीचे कंपनी का पे आउट रेशियो निकला हुआ है, यानी कंपनी ने 1,20,000 डिविडेंड दिया है, टोटल कंपनी की नेट इनकम थी कितनी, कंपनी ने कमाया कितना था, 6 लाख रुपए कमाया था, तो 6 लाख रुपए में से 1,20,000 रुपए कंपनी ने डिविडेंड दिया है, तो 1,20,000 डिवाइड बाय 6 लाख
20% कंपनी का पे आउट रेशियो है, यानी कंपनी ने कितने परसेंट डिविडेंड दिया है, 20% डिविडेंड दिया है, 20% ऑफ नेट इनकम कंपनी का पे आउट रेशियो क्या है, 20% है। ठीक है जी, यहाँ पे डिविडेंड पॉलिसी का चैप्टर मुकम्मल हो गया है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।